पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर अते साबका गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के पुत्र उदय रंधावा के नाल जुड़ी हुई खबर एक सामने आ रही है, जिस दे विच कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के पुत्र उदय रंधावा के उपर बड़े ते गंभीर इल्जाम लगे ने, इल्जाम लगे ने कुटमार करन दे। ते ए जो खबर है वह चंडीगढ़ तो निकल के आ रही है, जिथे कि बीती रात उदय रंधावा दे वल्लों एक लड़के की कुटमार करन दे इल्जाम लगाए गए ने। मामला थाने तक पहुँच गया, इतों तक कि सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस मामले के इनवॉल्व होना पाया। खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा थाने पहुँच के इस मामले के गलबात करते नजर आए पुलिस के नाल, जो कि दसया गया साडे सूत्रों तो पता लगे। तो नाल ही नाल नरवीर जिस लड़के दे नाल कुटमार हुई है उसके वलों एक अहम तो गंभीर इल्जाम लगाए गए ने कि जदों वह अपने दोस्तों के नाल खाना खाण दे लई एक होटल दे विच पुज्जा होया सी, तां उदे रंधावा जो कि सुखजिंदर सिंह रंधावा दे पुत्र ने उसके वलों वाशरूम दे विच उसके नाल कुटमार की गई। इत्थे ही बस नहीं, उसके जो गनमैन ने उन्हां दे वलों भी उसके नाल कुटमार की गई अते गड्डी दे विच पा के थाने ले जाण तो बाद चंडीगढ़ पुलिस नूं धमकाउण दे इल्जाम भी उदे वीर दे उपर उदे रंधावा दे उपर लगाए गए ने। सो पीड़ित व्यक्ति दे वलों, सो उस लड़के दे वलों, उस पीड़ित व्यक्ति दे वलों जिसकी कुटमार की गई है की इल्जाम लगाए गए ने, ते की उसने पूरा घटनाक्रम दस्सिया भी आखिर ये मामला तूल क्यों फड़िया, उसकी कुटमार क्यों की गई, संबंध दे विच उस पीड़ित लड़के ने नरवीर ने की किया तुहानू सुना दिंदे आ। क्या हुआ जी, इस कैबिनेट एक्स कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावे का मुंडा 2019 तो साडे नाल धक्का करी जांदा। अज मैं अपने दोस्तों नाल कोयो के गया सी खाना खाण डिनर करन, उत्थे इहने वाशरूम च वेख के मैनू पंच कीता जी। इहदी सारी फैमिली ने मैनू उत्थे पंच कीता, मैं उत्थों आया भज के आया, उत्थों मैं भज के एस्केप होया। उस तो बाद इन्हां ने मैनू गड्डी दे विच पा के मेरे गन पॉइंट नाल मैनू गड्डी दे विच इन्हां ने धमकाया जी। हाँ जी बिल्कुल सीगे, आ मैं फोन दे विचों हुण वीडियो डिलीट करवाई है जी, वह आपां दुबारा कढ़वावांगे कल नूं। गनमैन दो पता नहीं तेन सीगे जी, बिल्कुल कीती है जी। गल नूं तां की लैके जी, जिवें लोकां दे छित्तर मारदे आ थोड़ा ज्यादा बने हुए आ। पर एक गल कह देने चाहना जी, ये लोगों धक्का कर सकते अपने नाल नहीं कर सकते, जिवें अपने नाल कीती आ जो मर्जी हो जाए मैं उवें करूंगा। पहला धक्का करी जाते हैं जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, इन्हों फ्री दी पावर दित्तियां गई, लोगों तंग करन दित्तियां गई या लोगों का भला करन दित्तियां गई पावर इन्हों। गनमैन की की रिक्वायरमेंट है जी, पहले यह गल दसी जाए, गनमैन लोगों को कुटन रखे आ। दबा तो जो गनमैन चार नाल चक्की फिरते दबा तो आप ही है जी, इन्ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है जी, असं पढ़ने वाले बच्चे। अंदर मैं कॉम्प्रोमाइज करने कह रहे थे जी, मैं क्या मैं कंप्लेंट वापस नहीं लैनी। नहीं नहीं लेती जी, बिल्कुल नहीं लेती। पुलिस वालों बस उन्होंने आए, मैं उन्होंने लिख के देता मैं कंप्लेंट वापस नहीं लैनी, वो कह रहे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करवा दें। हाँ वीडियो मैं फोन चो डिलीट करवाई है, वो मैं कुटमार करते थी वीडियो सी जी, वो आप दोबारा कढ़वावे। सट तो इतने हैगी है जी, सैक्टर 22 हॉस्पिटल तो हाँ सैक्टर 22 हॉस्पिटल तो स्टेज ला के आए। हाँ जी उन्हें एलकोहल इनटेक लिया हुआ सी जी, मैं रिक्वेस्ट करता भी वो टेस्ट द्वारा करवाए जाए। मैं लॉ कर रहा जी पंजाब यूनिवर्सिटी। थैंक यू। अभी सुखी रंधावा जी प्रेशर पा रहे थे मुंडे ते कि हाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करो हुण भी अंदर बैठे आ, ठीक है तो चलो जो भी किया माड़ा किया, उत्थों भी इन्हों जो भी लैके ना आपकी गड्डी लैके कुटमार करके इतने लैके इतने आके उन्होंने इन पुलिस ने भी गालां कढ़ियां, फिर वो इन्होंने भी अगों वैपन कढ़े पुलिस ने, चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब पुलिस उन्होंने गनमैन से वैपन कढ़े, वैपन कढ़न हाँ वो तुम देख लो उन्होंने वैपन कढ़े, फिर जाके हाँ गालां कढ़ियां जी इन्होंने मुलाजमान पुछो जी आओ जी एक बार अगे उन्होंने ना ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ।
इत्थे तुहानू पता लग जूगा जी इन्हां ने पुलिस नाल बदतमीजी की। पर मैं ये गल कहना चाहना कैमरे के राही भी लोग ये वेख लैन भी आपां इन्हां दा धक्का सहना कि नहीं सहना। मैं तो सहना नहीं गा जी, पहला भी नहीं सहा हुण भी नहीं सहना। जे मंत्री रब ने लाए आ कोई ये लोगों छित्र मारन नूं तां ला नहीं दित्ते। जे छित्र मारन जाणदे आ जी छित्र दुबारा पैंदे भी हुंदे आ, ठीक है। जे बाकी लोग डिसाइड कर लैन भी इन्हां तों आपां ऐ करवाउणी आ कि नहीं करवाउणी, जे सारी उम्र छित्र ही खाई जाणे आ तां उवें चल लांगे। मैनू तो लगता भी मंत्री लोगों का फायदा करने वास्ते होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने वास्ते होंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते होंगे। मैनू नहीं यह लगता भी मंत्री लोगों कुटन या उन्होंने बच्चे लोगों कुटन होंगे दबाव पाने होंगे। जो असं आए ना जी ये मुंडे अंदर बिठा रखा से, उन्होंने मुंडे स्पैशल गड्डी के इनोवा के एसी ला के बिठाया। जे असी ना आते तो इन उदों भी प्रैशर पा रहे थे ना, तो मेडिकल करा रहे थे। असी आए सारे ने यूनिवर्सिटी जो सानू पता लगा तो फिर वो बच्चे इन्हें तार के इधरले रूम च लै गए, फिर यदा मेडिकल नहीं करवाते, फिर यदा मेडिकल करवाए, मेडिकल करवा के फिर यदा जो भी बयान लाए तो पहले इस चीज़ तो मुकर मतलब मेडिकल करवा ही नहीं रहे थे। प्रैशर पा रहे जी कॉम्प्र देखो अंदर बैठे हुए सुखी रंधावा जी आप जी उन्होंने गनमैन हो गए जी सारे 20-25, फिर उन्होंने मान लो होर काफ़ी सारे उन्हें 10-15 मुंडे बुलाए हुए तो वो ये प्रैशर पा रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ कर जिमें मर्जी कर। तो यू देखो कोई भी आप छित्र खा के कदम कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ो करा जी, दसो कमाल हो गई जी। हाँ जी देखो जो भी है मान लो मेडिकल कराया, जो भी रिपोर्ट आँदी है उस आधार पर मान लो जो भी है कार्रवाई की जाए जी। देखो जेड़े हिसाब नाल पुलिस नूं गालां कढ रहे सी मैनूं तां नहीं लगता जी वो भी कोई कुछ भी होगा। आप बैठे हुए अंदर जी पुलिस नूं तो उन्होंने आके गालां कढ़ियां जी, उन्होंने गनमैन ने जिहदे नूं लैके आए गड्डी सुट के लैके आए जी, इत्थे कुट के नाले अंदर कुट्टिया, इहनूं गड्डी च बिठा के भी कुट्टिया उन्होंने। तो शिकायत दे विच दित्ता जी भी सैक्टर 17 दे विच मैनूं वाशरूम च मिलिया। कि कोयो कोयो जी उत्थे इहने मैनूं पंच कीता, अगों मैं जिन्ना कहने मैंने किया जी मैं रिवर्ट किया। बट जो मैं उतों बहर आया इन्हों की सारी फैमिली उत्थे मैं पंच कर लग गई है जी। बट मैं कानून के दायरे के रह के कहना चाहना भी आपू अगों फाइट बैक करना नहीं शोभा दिता, पर मैं ये दसना चाहना जी भी इन्हों करनी तो वह बनती है भी सिंह की जाए, जिमें सिंह करते हैं ना जी, जिमें धक्का हों करनी तो वह बनती है, पर कानून है कानून के उत्ते छे भी वह की करते हैं। सो तुसी देखिया कि किस तरीके दे नाल निरवीर गिल पीड़ित लड़का जिस दे वल्लों इल्ज़ाम लगाए गए ने उहदे रंधावा दे उपर, ते नाल ही नाल हुण इस मामले दे विच सुखजिंदर सिंह रंधावा दे उपर भी उहनां वल्लों इल्ज़ाम लगाए गए ने कि उहनां नूं तकरीबन एक घंटे तक प्रैशराइज किया गया भी वह अपनी कंप्लेंट वापस लै लवे। ते नाल जो उहनां दे साथी आए से उहनां वल्लों भी दस्सिया गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अंदर बैठे ने, पुलिस के कोले बैठे ने। सैक्टर 17 का यह मामला गा, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा जो होया सी सैक्टर 17 के एक होटल दे विच ही होया सी। ते इल्ज़ाम ये भी लगाए गए ने पीड़ित परिवार के वलों जां फिर पीड़ित लड़के के वलों कि उन्हें किडनैप करके अपनी गड्डी दे विच गन पॉइंट के उपर उन्होंने इत्थे लिया गया है। पुलिस के नाल चंडीगढ़ पुलिस के नाल भी बदतमीजी करन दी गल्लां आईयां ने, गाली गलोच करन दी गल करदे नज़र आ रहे हैं। तो पूरे मामले नूं कह रहे भी CCTV कैमरे के विच कैद हो चुके है, तो पुलिस की गल करदे हुए नज़र आ रहे कि पुलिस उन्हां नूं प्रैशराइज़ कर रही है, दबाव बना रही है पुलिस उन्हां दे उपर कि राजीनामा कर लिया जाए। तो दूसरा उन्होंने एक वीडियो का भी जिक्र किया है कि जिहड़ी वीडियो उन्हां दे कैमरे दे विच माफ करना उन्हां दे मोबाइल दे विच सी उस वीडियो नूं डिलीट भी करवा दिता गया है। तो नाल ही नाल दबा लगातार पुलिस का, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की गल करते हैं अजे भी जो तक जी वाइट है वाइट कहते नज़र आए हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा थाने के हाजर ने, तो प्रैशराइज पीड़ित व्यक्ति किया जा रहा है कि वह मामला वापस लवे। लेकिन वह इंसाफ की मंग करता होया उन्होंने दसाया गया कि मैं ये फैसला किया कि असी ये मामले नूं अगे लेके जावांगे, मैं किसी तरह का कोई भी राजीनामा नहीं करांगा। सो इस तरीके दे नाल हुण आपां कह सकदे सुखजिंदर सिंह रंधावा दे पुत दीआं मुश्किलां वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने, क्योंकि मामला थाने दे विच है। तो विरोधी धिर पीड़ित परिवार जिन्हां दे वल्लों इल्ज़ाम कुटमार दे लगाए गए ने गृह मंत्री दे बेटे दे उपर, वह इस मामले नूं अगे ले जाणा चाहुंदा है ते अपनी कंप्लेंट वापस लैण दे मूड दे विच नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों दे विच हुण इह मामला किस तरफ जाएगा, की पीड़ित परिवार अपने कहे मुताबक हुण मामला दर्ज करवाएगा, जां फिर
जिस तरीके दे नाल प्रैशर की गल पुलिस दे पुलिस की गल कर रही की जा रही कि पुलिस के ऊपर भी प्रैशर है, पुलिस पीड़ित व्यक्ति के उपर प्रैशर पा रही है, दबाव पा रही है राजीनामे का, या फिर ये राजीनामा हो जाएगा किस कदर जाएगा, हुण ये मामला जानने लई बने रहो रोजाना लोकना टीवी के नाल।